हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ फूलगोभी के कोफ्ते की सब्ज़ी। फूलगोभी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने फूलगोभी ले ली हूँ। इसको अच्छे से धो के साफ़ करके पानी इसका निकाल ली हूँ और मिक्सी जार में पीस लूँगी दरदरा। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हो। ये देखो, मैंने अच्छे से इसको दरदरा सा पीस ली हूँ और एक मैं बर्तन में निकालूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ा से मसाले और आटा ऐड करना है। ये राइस का आटा है, मैंने 3 चम्मच ली हूँ, 3 चम्मच से थोड़ा। और बेसन, चने दाल का आटा, उसको भी 2 या 3 चम्मच लेना है, मैंने 3 चम्मच ली हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर का पेस्ट डाली। ये प्याज का, अनियन का पेस्ट है और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। और कुछ मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने जीरा डाली हूँ। और इसको मिक्स करना है अच्छे से। हाँ, और इसमें नमक सबसे लास्ट में डालना है, नहीं तो पानी छोड़ता है इस, और गीला हो जाएगा हमारा कोफ्ता, इसलिए सबसे लास्ट में नमक डालना है। और इसका अच्छा सा टाइट सा डो बनाना है। इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं की दही ऐड। देखो, ये मैंने अच्छा सा टाइट सा डो बना ली, लेकिन इसमें नमक डालो तो गोभी को पानी छूट जाता है। मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले ही रख दी थी। अब मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी कोफ्ते। ऑयल गरम है, उसमें एक एक करके मैं डाल दूँगी, सभी कोफ्ते को फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई फ्राई करना है। ये देखो, मेरे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब इसके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल लूँगी। जितना ऑयल चाहिए सब्जी को उतना ही रखूँगी मैं। और इसमें तेज पत्ता डाल दी हूँ मैंने, ये प्याज का पेस्ट है, अनियन, और इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, अदरक लहसुन, और इसको अच्छे से भूनना है। जब तक के ऑयल ना छोड़े तब तक के भूनना है, इसका कच्चापन निकालना है। ये मसाले में थोड़ा ये सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला, इनको यहाँ मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी। साथ में नमक भी डालूँगी। और टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। अब इसको 5 मिनट तक के चलाते हुए भूनना है अच्छे से, जब तक के ये मसाले ऑयल ना छोड़े तब तक के इसको भूनना है। और ये मसाले भून जाए तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड की हूँ और एक कोफ्ते इसमें डाल दूँगी ग्रेवी में।
सारे कोफ्ते डाल देंगे और 5 मिनट तक के पकाएंगे। गैस धीमी करके पकाएंगे। जब ये कोफ्ते के अंदर मसाले ऐड होना चाहिए। पांच मिनट मैंने पकाई हो, गैस ऑफ। और कोरिएंडर डाल देना है ऊपर से, हरा धनिया। देखो कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बने हैं, फूलगोभी के कोफ्ते।